दोस्तों, क्या आपने कभी अदरक की खेती के बारे में सुना है? और किस जगह अदरक की खेती की जाती है आपको पता है? और लोग अदरक की खेती करके कैसे कमा रहे हैं करोड़ों रुपए? और अदरक कैसे बनती है? और हमारे घरों तक पहुंचने से पहले आखिर अदरक को किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अदरक खेतों से हार्वेस्ट होकर सीधे हमारे घरों तक पहुंचती है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेतों से हार्वेस्ट होने के बाद अदरक को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसके बाद ये खाने लायक बन पाती है। और आज के इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस को जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अदरक की फार्मिंग कैसे होती है और फिर फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद ये अदरक हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। अदरक पौधे के ऊपर नहीं बल्कि आलू की तरह जमीन के नीचे लगती है। इसकी फार्मिंग के लिए अप्रैल और जून महीने के बीच में अदरक की बुवाई होती है। बाजार में मिलने वाले अदरक को कुछ इस तरह से टुकड़ों में काटकर एक मशीन द्वारा बुवाई कर दी जाती है। अभी हम आपको जो फार्मिंग दिखाने वाले हैं वो मॉडर्न फार्मिंग है और भारत के कई हिस्सों में ये सभी काम हाथों से भी किए जाते हैं। अदरक की बुवाई के 15 दिन बाद इसके पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और कुछ महीनों में ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन अभी इस फसल में काफी सारी घास है। इस घास को हटाने के लिए और अदरक को हार्वेस्टिंग लायक बनाने के लिए अदरक के खेत में इस मशीन को चलाया जाता है जो अदरक को हार्वेस्टिंग लायक बना देती है। अब इस अदरक को हार्वेस्ट किया जा रहा है। ये मशीन अदरक के पौधे को उखाड़कर उसके आगे वाले हिस्सों को काट देती है और बची हुई अदरक को कंटेनर में डालती हुई चलती है। भारत में यही काम हाथों द्वारा भी किया जाता है। अदरक की हार्वेस्टिंग के बाद यह पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होती, अभी इसे फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाएगा। फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए इसे वहां भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही सबसे पहले तो इस अदरक को अच्छे से धोया जाता है और इसकी गंदगी को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। जब अदरक अच्छे से साफ हो जाती है तो इसे एक कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज दिया जाता है। इस दौरान वर्कर्स द्वारा इस अदरक में मौजूद कंकड़, पत्थर और खराब अदरक को अलग कर दिया जाता है और अब अदरक को सूखने के लिए फैला दिया जाता है। कुछ घंटे सूखने के बाद अदरक का रंग बिल्कुल बदल चुका है। अब शुरू होती है अगली प्रोसेस जिसमें सूखी हुई अदरक को कन्वेयर बेल्ट में आगे भेजा जाता है। इस दौरान वर्कर्स द्वारा इसमें मौजूद सभी बेकार की चीजों को निकाल दिया जाता है और ये कन्वेयर बेल्ट भी जालीदार होती है जिसकी वजह से अगर गलती से भी कोई कंकड़, पत्थर या कीड़ा मकोड़ा रह गया वो भी बाहर हो जाएगा। कन्वेयर बेल्ट से सीधे ये अदरक इस मशीन में गिरती है जिसमें मौजूद ये दड़दड़े ब्लेड से अदरक को छील देते हैं और इसके ऊपर का छिलका काफी हद तक साफ हो जाता है। इसके बाद इसे एक बार फिर से हाई प्रेशर वाटर में धोया जाता है और लेजर स्कैनिंग होने के बाद कन्वेयर बेल्ट से पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है जहां इन अदरक को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट से ये अदरक हमारे घरों तक पहुंचती है जिसका इस्तेमाल हम चाय बनाने और भी कई कामों में करते हैं। भारत के किसान आज भी ये सभी काम घर पर हाथों से ही करते हैं। भारत में हाथों द्वारा ही खेतों में अदरक की हार्वेस्टिंग होती है और फिर उन्हें सुखाया जाता है। इसके बाद सूखने के बाद इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है जहां से ये हमारे घरों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अदरक की खेती के बारे में आपको क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।